सो हे माई डियर ऑडियंस, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली आप लोग जितने भी नोटिस निकले हुए हैं तीनों सेंटर से रिलेटेड, उन सब पे बात करने वाले हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी सी वीडियो होगी। जैसे कि आप लोग, ये बेसिकली मेन आपकी FOL की साइट है, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर जितने भी आपके अलॉटमेंट लिस्ट हैं वो सब रिलीज हो गए हैं। PWD कैटेगरी के और CW आपके नॉर्मल कैटेगरीज, SC, ST, OBC, जनरल सब की आ चुकी है, ठीक है। इसमें आपको आपके बेसिकली अलॉटमेंट दिखेगी, कौन से कॉलेज आपको अलॉट हुए हैं, और आपको जिस भी सेंटर को अलॉट किया गया है उसको आपको स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाकर चेक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर CLC की वेबसाइट खोल रखी है, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर, वहाँ से जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम नोटिस को देखें कौन कौन सा है, CLC का जो नोटिस है, ये वाला मैंने ऑलरेडी जो आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसका मैंने एक शॉट डाला था, और ये आपका टाइम टेबल फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी टाइम टेबल है वो हो गया है, सेक्शन आप लोगों को ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं। तो ओरिएंटेशन वाला एक बार हम नोटिस खोल के देख लेते हैं, क्योंकि टाइम टेबल तो आप देख ही लोगे अपनी तरफ से, जो जो आपके सेक्शन है वो आप देख लेना। और इसमें यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है आप लोगों को देखने वाली कि आपका, तो ये रही आपकी ओरिएंटेशन CLC की जो होने वाली है। यहाँ पर आप इस पूरे नोटिस को देख सकते हो प्रॉपरली, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और देन अगर हम बात कर रहे हैं, और अगर आपको कोई भी नोटिस देखना है, स्टूडेंट टैब में जाके ऑल नोटिस पे जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को जितने भी नोटिस अब तक CLC ने रिलीज़ किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे, और यहाँ पर जाकर आप आराम से उनका एक्सेस ले सकते हो। देन अगर हम बात करते हैं LC1 की, जो कि इवनिंग शिफ्ट का कॉलेज है, इसकी टाइमिंग वाइमिंग आप सबको पता ही है, टाइमिंग को हम नहीं देख रहे। यहाँ पर जो स्टार्टिंग के चार नोटिस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस टाइम, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो भी LC1 में जिन बच्चों के एडमिशन हुए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। जैसे कि टाइम टेबल अगर आप ओपन करके देखोगे तो टाइम टेबल जो भी आप लोगों के सेक्शन वाइज आपको अलॉट किए गए हैं उन सब का टाइम टेबल है यहाँ पर। 2 बजे से आप लोग क्लासेस शुरू होंगी, और जो क्लास एंड होंगी LC1 की वो 7:30 बजे तक आप लोग क्लासेस बंद हो जाएंगी। तो ये पूरा टाइम टेबल है, आप देखते हुए चलो, आपको सारी क्लासेस का टाइम टेबल मिल जाएगा, और साथ में आपको जो टीचर्स अलॉट किए गए हैं प्रोफेसर्स वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे फैकल्टी की साइड से। ओके, सो ये आपका टाइम टेबल हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शनल वीडियो है, किस तरीके से आप लोगों को अपने बैच को ज्वाइन करना है, सेक्शन अलॉटमेंट है, और जो आज की जो वीडियो है वो इस वाले टॉपिक पर है कि हम लोग अपनी IDs को कैसे क्रिएट करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी साइड से काम कंप्लीट कर लिया है, नाउ इट्स योर टर्न, हाउ यू कैन मेक योर ID। तो अगर हम देखते हैं ID कैसे बनानी है, आप लोगों की ID ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है, ठीक है। आप लोग अपनी ID को एक्सेस कैसे करना है, जब भी आप अपने किसी भी लैपटॉप या फ़ोन में ओपन करते हो तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन होता है जहाँ पर आपके सारे अकाउंट्स शो होते हैं, उस पर क्लिक करोगे तो ऐड अकाउंट का ऑप्शन आएगा। ऐड अकाउंट पर जाकर आप लोगों को, अगर हम LC1 वाले स्टूडेंट की बात करें तो पहले आपको अपना फॉर्म नंबर डालना है जो भी स्टूडेंट का है, देन @LC1.DU.AC.IN या आप लोगों की पूरी जो आपका नेम होने वाला है, आपके जीमेल का नेम होने वाला है, आपके ID का नेम होने वाला है, वो ऐसे होगा। और जब आप उसमें पासवर्ड डालोगे तो ये LC1 वालों का पासवर्ड है, इसको डालकर आप लोगों का जो भी जो आपकी ID है वो जनरेट हो जाएगी, आपकी ID बन जाएगी नॉर्मल वर्ड में बोलूँ तो। और देन आपको अपनी ID का पासवर्ड भी चेंज करना है, क्योंकि अभी सबका ID का पासवर्ड सेम है, ठीक है। तो अपनी ID का पासवर्ड जल्दी से चेंज कर लेना। देन यही बेसिकली मेन चीज़ थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, कि आप कैसे अपनी ईमेल ID से, मतलब जो भी आपकी ID है उसको कैसे जनरेट करोगे, ठीक है। और ये यहाँ पर लोगों ने बता रखा है कि आपकी जो फर्स्ट डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है वो ये वाला है। देन LC2 की बात करते हैं, LC2 में भी ऑलमोस्ट सब चीज़ निकल चुकी है, इन लोगों का IGS टाइम टेबल अभी तक नहीं आया है, तो टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन की बात नहीं है। ये रहे सारे नोटिस, यहाँ पर अगर आप LC2 की वेबसाइट पर चेक करोगे तो साइड में आपको नोटिस मिलने वाला है, सेक्शन अलॉटमेंट आ चुकी है, और आप लोगों की IDs को भी जनरेट कर दिया गया है LC2 वालों की। ओके, तो जैसे LC1 वालों की ID को जनरेट किया गया है वैसे LC2 को भी करना है, और वैसे CLC को भी करना है, और CLC वाले बच्चों को तो IGS मेल भी आ चुकी है, तो आप लोगों को भी अगर मेल DU को सेंड करने होंगे तो वो कर देंगे। ओके, सो होप आपको ये सारी चीज़ समझ आएंगी, जो भी नोटिस आए हैं उनको आप खुद अपने बिहाफ पर चेक कर लीजिए और पढ़िए नोटिस में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पढ़ने की आदत तो आपको डालनी है। देन हाँ, और एक और चीज़, जो भी आपकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपको इन्हीं पर्टिकुलर वेबसाइट पर मिलने वाली है, किसी और जगह जाने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप फैकल्टी ऑफ लॉ की दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगी पूरी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोगों की। देन यहाँ पर ये आपकी CLC की है, ये आपकी LC1 की है, और ये आपकी LC2 की है। तो इन सब की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड मैं कर दूँगी, वहाँ से अपने जो भी वेबसाइट है उसको एक्सेस ले लेना, और सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से, ऑथेंटिक सोर्स जो है वो आपका यही है। ओके, सो होप आपके साइड आउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप अभी तक इस चैनल पर बने हुए तो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो। ओके, सो मिलते हैं और किसी वीडियो में, टिल देन गुड बाय।